Hello family members, good evening. यह है मिट्टा रेस्टोरेंट और बहुत ठंडा है ना अभी। बढ़िया तो यहाँ पे है एक बड़ा सा शीशा, सामने में है लाइट। इधर लग रहा है दिन को और भी सुंदर होता हुआ ये जगह। यहाँ पे झूलना भी है, फोटोशूट के लिए बहुत बढ़िया होगा ये जगह। और लुक एट दिस, वाओ वाओ, मेरी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस। और अगर आप यहाँ पे दिन को आने से आपको पूरा ये व्यूज भी दिखाई देने, लेकिन अभी के लिए पूरा अंधेरा अंधेरा है। हेलो फैमिली मेंबर्स, गुड इवनिंग। आप सभी को मेरे चैनल, मेरे इस नए चैनल पे आप सभी को वेलकम करता हूँ। गाइस, मैंने आप लोगों को मेरे पुराने यूट्यूब चैनल पे ये बता दिया था कि मैं मेरा पुराना यूट्यूब चैनल छोड़ रहा हूँ और एक नया सा, एक फ्रेश से फिर से खोलेंगे। और वो ये चैनल है जहाँ पे अभी आप हाय हेलो आप सभी को कह रहा हूँ। ये चैनल जो मेरा नया चैनल है, और जो लोग मेरा पुराना चैनल से, जो लोग अभी यहाँ पे आया है, मेरा सब्सक्राइबर है, आप लोगों को फिर से वेलकम करता हूँ। और टू ऑल द न्यू सब्सक्राइबर, आप सभी को भी मैं वेलकम करता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे आप लोग मुझे पुराना चैनल में सपोर्ट किया था, इसी तरह इस नए चैनल पे भी मुझे सपोर्ट करेंगे। और जो लोग मेरा नया सब्सक्राइबर है, कम लेट्स बिल्ड ए कम्युनिटी। हम लोग एक कम्युनिटी बनाते हैं, एक फैमिली मेंबर्स बनाते हैं, ताकि हम सब मिलके आगे जा सकेंगे। और मेरे इस चैनल पे मैं आप सभी को ये दिखाना चाहूँगा कि डेली ब्लॉग में दिखाऊँगा यहाँ पे। और कभी कभी मैं ट्रैवलिंग भी करूँगा, और बहुत इंटरेस्ट है ट्रैवलिंग भी। तो जब भी ट्रैवलिंग करेंगे तो नया चीज़ और नया जगह मैं आप सभी को ज़रूर दिखाने के लिए कोशिश करूँगा। और ये मेरा आपसे वादा है, आई विल नेवर फेल टू डू दैट। मैं लाइट चला गया गाइस। तो गाइस, लाइट चला गया है, और फिलहाल अभी इन्वर्टर चल रहा है ना भाई? हाँ, तो इन्वर्टर से चला रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे घुसूंगा, और क्या आप सब मुझे देख सकते हैं अभी? या अभी दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये ओरिजिनल लाइट नहीं है, थोड़ा सा कलरफुल वाला लाइट है, तो इसीलिए मेरा चेहरे का कलर भी अभी अलग दिख रहा होगा आप सभी को। और गाइस, मैं ये कह रहा था कि यस, मैं कभी फेल नहीं होऊंगा, मैं कोशिश हमेशा करूंगा। और मेरे लास्ट व्लॉग में भी, सॉरी, मेरे लास्ट चैनल पे भी मैं यही किया था, हमेशा काम किया था। लेकिन मैं फिर से ये डिसाइड किया था कि नहीं, मुझे करना है नया चैनल, फिर से खोलना है, तो इसीलिए मैं ये नया चैनल फिर से खोल लिया। तो अभी इस मिट्टा रेस्टोरेंट पे आप सभी को क्या क्या मिलता है, इसका बारे में आप सभी को अभी बताएंगे। ओके, तो आप लोग यहाँ में काम करते हैं ना? तो आप लोग का ये मिट्टा रेस्टोरेंट में क्या क्या मिलता है, मतलब? मिलेगा जूस मिलता है, जूस मिलता है, दारू मिलता है, दारू भी मिलता है, और राइस मिलता है। राइस ना, मतलब आपको डिनर भी मिलेगा, लंच भी मिलेगा ना, सब कुछ मिलेगा। क्या क्या मीट मिलेगा आपको यहाँ? मीट आपका पोर्क है, और लोकल चिकन ना, लोकल चिकन, लोकल चिकन। क्या आपको बॉईल करके नहीं देते हैं? बॉईल करके देता है ना? क्या बॉईल करके देता है बहुत ना, और ये चिकन के लिए फ्राई करके देता है। तो आज आदमी नहीं है क्या? हो गया आज आदमी इतना नहीं है, समर को ज्यादातर आता होगा ना। हाँ। और क्या क्या स्पेशलिटी है यहाँ में आप लोग का?
कभी कभी खतरा किसी बिल्कुल ही अलग दिशा से आ सकता है। वही है ना, दारू जूस और मिलेगा ना हैंग आउट करने के लिए, मजा लगेगा। पलक झपकते ही जताना के फ्लाइट कब आएगा फिर? आगे ना ज्यादा से ज्यादा खाने की कोशिश में जुटा रहता है। तो यहाँ पे एक बड़ा सा टीवी रख दिया है। वो केबिन नो का भी लेता है क्या पैसा? वो फ्री है ना? और क्या पूछेगा? और लोकेशन बता दो, ये तो लेकावाली में है तो ना? लेकावाली में अरुणाचल पड़ता है। वही तो अरुणाचल में है, लेकिन लेकावाली का बाहर में पड़ता है ना। लेकिन अगर इस जन्नत को बनाने वाला कोई इकलौता, ये यहाँ का लोकेशन बता दो। चेक पोस्ट का बाहर में ना? आगे में। ओके, तो ये मृता रेस्टोरेंट जो लेकावाली पे है और लेकावाली का जस्ट चेक पोस्ट को पार करके आपको मिल जाएगा। और वहाँ से वहाँ में एक बड़ा सा ना साइन बोर्ड दिया है ना वहाँ पे, मिता रिसोर्ट बोल के ना। तो यहाँ पे आएगा और ये भाई लोग यहाँ पे काम करते हैं, वो लोग जानता है यहाँ पे क्या क्या मिलता है। यहाँ पे आपको लंच भी मिलेगा, डिनर भी मिलेगा, साथ ही साथ आपको जूस भी मिलेगा, दारू भी मिलेगा ना? सब मिलेगा, बियर। कौन सा सीजन में लेकिन ज्यादातर आते हैं? समर तो आता होगा ना? ये गर्मी के सीजन में ज्यादा आता है, समर में ना। और समर में ज्यादातर आते हैं यहाँ पे लोग। जनवरी को क्या मिला है? मालिनी मिला है। यहाँ में हम लोग होटल सोटल मतलब सोने का जगह ऐसे नहीं है, सिर्फ इधर खाने का पीने हैंग आउट करने के लिए अच्छा जगह है ना। ओके, तो जनवरी को एक मालानीतान बोल के ना मेला होने वाला है, तो वहाँ पे भी हमें तो वहाँ पे होने से लोग यहाँ में भी आएगा ना। हाँ। दिन होने से और जगह सुंदर होता था, दिखाना था। और यहाँ पे एक बड़ा सा शीशा रखा गया है, आप हाथ धुलाने के बाद आप प्रेसअप भी कर सकते हैं। यहाँ पे मशीन है, यहाँ पे बहुत सुंदर से सजाया है। तो गाइस, मैंने आप सभी को मिठा रिसोर्ट पे क्या क्या मिलता है आप सभी को बता दिया था, और भाई लोग से भी मैंने पूछा था। और यहाँ पे है चिकन, ये चिकन बॉयल चिकन है ना? हाँ, बॉयल लोकल चिकन बॉयल है। और ये करी है। ये क्या करी है? ये पोर्क करी, पोर्क ना। और ये चौथा है, यहाँ पे बीफ नहीं मिलता है ना। तो बीफ लवर्स, आपको यहाँ पे बीफ नहीं मिलेगा, बट अगर आप पोर्क और लोकल चिकन खाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये है पत्तुइंग, हम लोग लोकल में इसको पत्तू सरसों है पत्तुइंग बोलते हैं। ये लोकल चिकन गर्म है ना, तो अभी टेस्ट करके देखेगा ना। ये था पोर्क करी और ये है लोकल चिकन, अभी टेस्ट करके देखेंगे। तो अभी टेस्ट करके देखते हैं। चलिए, फर्स्ट बीफ बोल रहे हैं, पोर्क करी को टेस्ट करते हैं पहले। मजा, लोकल चिकन भी ट्राई करेगा। इसमें बैम्बू सूट का साग बनाया है लोकल चिकन, वो भी बॉयल। अच्छा भाई, आलू भाजी थोड़ा। हाँ, अच्छा भाई, ये प्राइस इसका रेट कैसा होता है? लोकल चिकन करी का 300 और बॉयल 300 होता है। लोकल चिकन करी का? हाँ, लोकल चिकन बॉयल बोलो तो आपको 300 में मिलेगा। 300 ना? हाँ, मतलब ये हाँ, जो करी है वो पोक करी हो और बाकी बात और चिकन का होगा तो
और करी करी होने से 200 करी होने से ना हाँ बॉयल होने से 300 और अभी ये 300 ना हाँ 300 थैंक यू तो भाई आप सभी को बता दिया है यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आप यहाँ पे भरपूर खाना खा सकते हैं और रेट भी बता दिया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले मैंने पोर्क करी स्टार्ट किया था सॉरी टेस्ट किया था तो अभी लोकल चिकन ट्राई करते हैं पीस भी बहुत भरा है नंबर वन वाओ और साथ में है ये पत्तू ओइंग आदि डायलेक्ट में इसे पत्तू ओइंग बोलता है सरसों ऐसे भी ट्राई करेगा इसको भी स्टीम करके दिया गया और टेस्टी आवा बहुत टेस्टी लग रहा है ये नाइस वाओ नींबू है प्याज है और मिर्चा नींबू खाएगा लोकल चिकन का सूप डालना पड़ेगा सूप बढ़िया है ना लोकल चिकन का सूप ये लोकल चिकन में बेम्बू शूट डाला है बेम्बू शूट के साथ साथ ओंगेर बोल के एक पत्ता है वो भी डाला है और मिर्चा डाला है और धनिया डाला है और ओंगेर पत्ता हमको बहुत अच्छा लगता है और उसका गंध ना उसका एरोमा वाओ और यहाँ का राइस भी बहुत टेस्टी है ना तो गाइस अभी यहाँ से निकल रहा हूँ लेकाबली की ओर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है लेकाबली और लोकेशन भी मैंने आप सभी को बता देता हूँ और ये रिसोर्ट पे आपको खाने के लिए क्या क्या मिलता है वो सारी चीज़ें भी आपको बता दिया है अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आप ज़रूर विज़िट करना एंड आई एम वेरी सॉरी कि रात तरफ को आया यहाँ पे रात को आप लोगों को अच्छी तरीके से ये जगह नहीं दिखा पाया आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट नेक्स्ट टाइम अगर समय मिलने से दिन तरफ में भी आएगा और आप सभी को दिखाऊंगा तो सभी को गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम मिलते हैं मेरे अगले ब्लॉग पे टाटा मुइता रिसोर्ट बाय चलो